राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं, तो वहीं मीरा कुमार यूपी की ओर से। लेकिन मोदी की सोच कोविंद की जीत से कहीं आगे की है। कोविंद का जीतना तो तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी इतने से संतुष्ट नहीं होना चाहती है। बीजेपी इस जीत को ऐतिहासिक जीत में तब्दील होते देखना चाहती है। इसके लिए उसकी नजरें विरोधी दलों के विधायकों सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर है। पार्टी मान रही है कि इस क्रॉस वोटिंग की बदौलत 30 जुलाई को आने वाले इस चुनाव के नतीजे की तस्वीर बदल सकती है। 2012 के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 69% वोट हासिल कर चुनाव जीता था। बीजेपी के निशाने पर इस बार 69% का ये आंकड़ा है। बीजेपी चाहती है कि कोविंद इससे ज्यादा वोटों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, यानी कम से कम 70% वोट हासिल करें। बीजेपी का ये सपना सच भी हो सकता है। कोविंद एनडीए के बाहर से मिले वोटों के दम पर प्रणब मुखर्जी के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। यूपीए में समाजवादी पार्टी के असंतुष्ट नेता शिवपाल सिंह भी कोविंद के समर्थन में मतदान किया। शिवपाल ने बकायदा सोशल मीडिया पर इसका ऐलान भी किया। आम आदमी पार्टी ने मीरा कुमार के समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन एन मौके पर पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष HS फुल्का ने मीरा को वोट न देने की बात कहकर आपके सारे गणित पर पानी फेर दिया है। आपकी बात करें तो पार्टी के पास दिल्ली और पंजाब मिलाकर कुल 85 विधायक हैं और 4 सांसद हैं। साथ ही कई और छोटी पार्टियां भी क्रॉस वोट डाल सकती हैं, जिससे बीजेपी एक क्लियर मैसेज दे सकती है राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बहाने से।